I don't know, Sunanda. I must check with Mudaliar, said Rao Guru, walking away. Now Rao Guru was also tensed, so he said, I don't know, Sunanda. I must check with Mudaliar. The name of the person is Mudaliar. Who is Mudaliar now? Mudaliar was the head constable at the village police station. Mudaliar was a head constable at the police station. Okay, so what Rao Guru said? Rao Guru said, I must check with Mudaliar, कि मुझे मुदालियार से पूछना चाहिए क्योंकि वो पुलिस में है, उन्हें पता होगा कि ये सब कौन कर रहा है. The next day, after my usual stroll with Gugu, I had fresh news for Rao Guru. More sandalwood trees had been cut. Now, next day, I went there again. मैं फिर से वहाँ गई. And what I saw, that there were more sandal trees had been cut. और सैंडलवुड ट्रीज कट हो चुके थे. नाउ आई हैड फ्रेश न्यूज़ फॉर राव गुरु. अब मेरे पास एक और न्यूज़ है राव गुरु को बताने के लिए. बट राव गुरु वॉज इम्फैटिक. इम्फैटिक मीन्स टेंडिंग टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इन फोर्सफुल स्पीच. सुनंदा, आई हैव आस्क्ड मुदालियार. ही सेज द एरिया एंड द सैंडलवुड ट्रीज आर वेल प्रोटेक्टेड एंड नो वन कैन ब्रेक अ सिंगल ट्विग. Because Rao Guru has talked with Mudaliar. Now Mudaliar has told Rao Guru that the area is so well protected that no one can enter there and break a single twig. कि मुदालियार ने उन्हें बोला है कि वो जो एरिया है सैंडलवुड ट्रीज़ का, वो इतना प्रोटेक्टेड है, उसको इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है कि कोई भी वहाँ से एक सिंगल टहनी भी नहीं तोड़ सकता, तो इतने बड़े ट्रीज़ कैसे तोड़ेगा. Surely, said Mami, supporting me. Sunanda couldn't be imagining all she said. Now, Mami is supporting me. Mami is saying, obviously, Sunanda is saying something. And Sunanda is very much sure and obviously she is not imagining. कि obvious सी बात है कि वो imagine करके नहीं बोलेगी सुनंदा. सुनंदा ने कुछ सुना होगा, समझा होगा, तभी वो बोल रही है. In fact, continued Rao Guru, Mudaliar was quite upset and asked me to tell Sunanda that she should not spread such rumors anymore. And Rao Guru told Sunanda that Mudaliar has said something and he was upset that he said, ask Sunanda to not spread such rumors. Now what मुदालियार हैज सेड टू राव गुरु कि सुनंदा को बोलिएगा कि ऐसे फालतू के रूमर्स फैलाए नहीं. वॉट इज रूमर्स? रूमर्स इज अ स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू. कि ऐसे फालतू की अफवाहें ना फैलाए. वेल, हु वुड टेक अ ब्लाइंड गर्ल ऑफ 13 सीरियसली, आई मर्मर्ड अनहैप्पीली. मैंने खुद से ही बात करते हुए कहा, वेल, हु वुड टेक अ ब्लाइंड गर्ल ऑफ 13 सीरियसली, कि एक 13 साल की ब्लाइंड लड़की को कौन सीरियसली लेगा, उसकी बातें कौन समझेगा. कम सुनंदा, डोंट फील सो अपसेट अबाउट इट. मामी पुट हर आर्म राउंड माई शोल्डर एंड कम्फर्टेड मी. नाउ मामी इज ट्राइंग टू कम्फर्ट मी. मामी सेड, कम सुनंदा, डोंट फील सो अपसेट अबाउट इट. मामी ने कहा, अरे आओ यहाँ पर, दुखी मत हो. एंड शी पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर. उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधे पे रख दिए. But I was sure that valuable sandalwood was being stolen. But I was confirmed. मुझे पता था, मैं कन्फर्म थी कि sandalwood trees, sandalwood को चोरी किया जा रहा है. Because sandalwood were very valuable, precious थे. Early the next morning. In the next morning, early, Gugu and I walked to the sandalwood area. Gugu and Sunanda walked to sandalwood area. कि वो लोग वहाँ पर फिर से चले गए. I let Gugu lead me. What I told Gugu that Gugu will walk ahead and I will walk behind Gugu. कि Gugu मुझसे आगे चलेगा और मैं Gugu के पीछे चलूँगी. After a great search, found a nice hiding place behind a bush. There I waited impatiently for a long time. After finding so many things, I found a nice hiding place. घूमते घूमते मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी, बट फिर मुझे एक हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह मिल गई, एक बुश के पीछे, एक झाड़ी के पीछे. I sat there and waited. मैं वहाँ पे बैठ गई और मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया.
आई हैड ऑलमोस्ट डोज्ड ऑफ व्हेन गुगू ग्रोल्ड. मैं ऑलमोस्ट सो चुकी थी. आई हैड ऑलमोस्ट स्लेप्ट व्हेन गुगू ग्रोल्ड. व्हेन गुगू बार्क्ड, जब गुगू ने भौंका, उसने आवाज़ लगाई, तब मैं अचानक से उठी. आई वॉज इमीडिएटली अलर्ट. मैं एकदम से अलर्ट हो गई थी. द नेक्स्ट मिनट गुगू स्प्रैंग फॉरवर्ड बार्किंग व्हाइल आई क्राउच्ड वेल बिहाइंड द बुशेज एंड वेटेड विद अ बेटेड ब्रीथ. आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग. एज दे केम नियरर गुगू स्टॉप्ड बार्किंग. आई वॉज सिटिंग देयर बिहाइंड द बुश एंड आई वॉज वेटिंग देयर विद बेटेड ब्रीथ. मीन्स आई वॉज होल्डिंग माई ब्रेथ ड्यू टू सस्पेंस बिकॉज आई वॉज fearful that someone is coming because I heard footsteps approaching. मुझे डर लग रहा था तो मैंने अपनी सांस भी रोक कर रखी थी क्योंकि वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आ रही थी. और जैसे जैसे वहाँ पर कोई पास आ रहा था, गुगू ने बाग करना छोड़ दिया, रोक दिया था. उसने गुगू ने भौंकना बंद कर दिया था. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. ओके, सो वी हैव कम टू नेक्स्ट पेज. Starting with the next page, somebody asked, what are you doing here, doggy? Patrolling like me? Yeah. Somebody asked Gugu, what are you doing here, doggy? अब वो doggy यानी Gugu से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. Patrolling like me? Yeah. Patrolling कर रहे हैं मेरी तरह. What is the meaning of patrolling? Keeping watch over an area by regularly walking or traveling around it. कि किसी भी जगह की देखभाल करना, देखना कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है. ये अधिकतर पुलिस मैन करते हैं. आई रिकोगनाइज मुदालियार वॉइस. आफ्टर लिसनिंग द वॉइस, वॉट आई रिकोगनाइज दैट इट इज़ मुदालियार्स वॉइस, कि ये मुदालियार की वॉइस है. मुदालियार कौन? दैट कॉन्स्टेबल. He had noticed me, I presumed, when I could no more hear his receding footsteps. I relaxed. However, nothing happened during the rest of the day and I returned home. And I thought, Mudaliar is coming to me. And I was fearful. It was getting terrible for me because I was hiding behind the bushes and I thought he is coming to me and he will catch me. मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे देख लिया है, अब वो मेरी तरफ आ रहे हैं और वो मुझे कैच कर लेंगे. But I could no more hear his receding footsteps. लेकिन अब मुझे उनके पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी. So I relaxed. मैंने सांस ली. However, nothing happened during the rest of the day and I returned home. अब कुछ भी नहीं हुआ पूरे दिन. So we returned home back. The following night, I waited for the clock to chime 11. After evening, I waited for the clock to chime 11. I was waiting time to get 11. मतलब 11 o'clock हो. I heard Rao Guru and his wife snoring. मैंने सुना कि Rao Guru और उनकी wife snore. What is the meaning of snore? खनाटे लेना. They were snoring. Motioning Gugu to follow me, I quietly slipped out of the house. I took Gugu with me and I quietly slipped out of the house. मैं धीरे से घर के बाहर निकल गई. Long before we reached the sandalwood trees, I heard a low whirring noise. Gugu became uneasy and growled. Shh, Gugu, don't you make a noise, I whispered, holding him firmly by the collar. Now, when we were reaching sandalwood trees, I heard a low whirring noise. I heard a low continuous noise. मुझे एक बहुत ही धीरे धीरे से कंटिन्यू एक आवाज़ आ रही थी. Gugu became uneasy. Gugu थोड़ा सा uneasy हो गया. उसे कुछ अलग लग रहा था and he started growling. श Gugu, मैंने Gugu को चुप कराया. Don't you make a noise, Gugu. मैंने उसको बोला धीरे से कि Gugu आवाज़ मत करो. और मैंने उसके कॉलर से उसे firmly पकड़ लिया. I hold it tightly. We walked on and the noise became louder. हम आगे चलते गए और noise became louder. आवाज़ तेज़ होती गई and louder और तेज़ होती गई. Suddenly it struck me. Hey, even if there is something fishy going on, the place must be well lit. Men can't be working in the dark and they will see me. Hastily, I pushed Gugu to one side of the path, crouching low and holding the dog by the collar. I crept forward, listening intently. And what I thought that there is something fishy going on, कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है.
फिशी मीन्स कुछ गड़बड़ तो है. द प्लेस मस्ट बी वेल लिट, वहाँ पे जो लाइट वाइट ऑन होगी, बिकॉज जो आदमी हैं वो अंधेरे में तो काम कर नहीं सकते, और अगर अंधेरा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे देख लेंगे. सो आई पुश गुगू टू द वन साइड ऑफ द पाथ, मैंने गुगू को थोड़ा साइड कर दिया और उसको उसके कॉलर से पकड़ कर वहीं मैं चुपचाप सुनती रही. द वरिंग नॉइस वॉज इंसेसेंट एंड देयर वॉज ऑल्सो द साउंड ऑफ मूविंग व्हीकल्स, जो धीरे धीरे कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी, दैट वॉज इंसेसेंट, नेवर स्टॉपिंग, मतलब बंद ही नहीं हो रही थी. एंड देयर वॉज ऑल्सो मूविंग साउंड ऑफ मूविंग व्हीकल्स, की चलते हुए गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी. आफ्टर वॉट सीम्ड एन इटर्निटी द वेयरिंग सीज्ड एंड आई कुड हियर मैन स्पीकिंग टू वन अनदर, थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सबकी आवाज़ें आना बंद हो गई और मुझे उन आदमियों की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई कि वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. इनफ फॉर टुडे रमेश, इट्स गेटिंग टू बी 2 o'clock एंड रिमेंबर 10% ऑफ द मनी यू अर्न बाय सेलिंग दीज सैंडलवुड इज माइन, अदरवाइज द अथॉरिटीज वुड बी अलर्टेड एंड यू वुड बी बिहाइंड बार्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इनफ फॉर द टुडे, कि अब आज के लिए बहुत हुआ रमेश, इट्स गेटिंग टू बी 2 o'clock, कि 2 बजने वाले हैं. एंड रिमेंबर, और याद रखना, 10% ऑफ द मनी यू अर्न, कि जितना भी तुम अर्न करोगे उसका 10% मेरा होगा. मीन्स वो क्या कर रहे थे, देवर स्टीलिंग सैंडलवुड, वो सैंडलवुड चोरी कर रहे थे और वो सैंडलवुड चोरी करने के बाद बेचा जाता और बेचने के बाद उसका जो 10% था वो उसको दिया जाता. और ये बोला जा रहा था कि यू रिमेंबर, अदरवाइज अथॉरिटीज़ वुड बी अलर्टेड, कि अथॉरिटीज़ को पता चल जाएगा और तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए जेल भेज दिया जाएगा. नाउ हु इज़ रमेश एंड हु इज़ टेलिंग दीज ऑल थिंग्स टू रमेश, कि रमेश कौन है और प्लस ये सारी चीज़ें रमेश को कौन बोल रहा है. नाउ लेट्स सी, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. ओके, वी हैव कम टू नेक्स्ट पेज. माई हार्ट स्किप्ड अ बीट फॉर द वॉइस आई हर्ड, वॉज दैट ऑफ मुदालियर. आई हेल्ड माई ब्रेथ ग्रिपिंग गुगू स्कॉलर टाइट. नाउ वॉट आई felt, because the voice I heard was of Mudaliar and Mudaliar was a police constable. Now I was holding my breath and I gripped Gugu's collar tight. मुझे बहुत, मेरी सांस ही अटक गई थी क्योंकि जो आवाज़ थी वो मुदालियार की थी और मुदालियार तो एक पुलिस मैन है. हाउ कैन अ पुलिस मैन डू दिस, कि एक पुलिस मैन चोरी थोड़ी कर सकता है. इस वजह से मैंने फटाफट से गुगू का कॉलर भी टाइटली पकड़ लिया. ऑफ कोर्स सर, रिप्लाइड अनदर वॉइस, जो रमेश था उसने कहा हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स सर, ऐसा ही होगा. सून ऑल वाज क्वाइट, जल्दी सब कुछ चुप हो गया था. माई हार्ट थम्ब्ड लाइक अ स्टीम इंजन as I rushed back home with Gugu. Now my heart was thumping like a steam engine. Quietly I got into bed but could not sleep a wink. Mudaliar's voice was ringing in my ears. When I went back home, I tried to sleep. जब मैं घर पहुँची जल्दी से, मैंने सोने की कोशिश की बट मैं एक भी पल सो नहीं पाई, because मुदालियार की जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में बज रही थी. In the morning, as soon as Rao Guru was awake, I told him everything. Now, all night I was not able to sleep. मैं सो नहीं पाई थी. The little girl was not able to sleep all night, क्योंकि उस बच्ची ने ये सब देख लिया था. Now, in the morning, she is waiting for Rao Guru to be awake. कि वो राव गुरु के उठने का इंतज़ार कर रही है. एंड जैसे ही वो उठे, शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसने, इस बच्ची ने राव गुरु को सब कुछ बता दिया. आर यू श्योर सुनंदा, ही आस्क्ड मी. नाउ राव गुरु इज़ आस्किंग, आर यू श्योर सुनंदा, सुनंदा तुम पक्का से बोल रही हो ये सब. पॉजिटिव अंकल, यस अंकल श्योर हूँ मैं, एकदम पक्का हूँ. देन आई मस्ट टेक दिस अप विद द पुलिस हेडक्वार्टर्स एट ओट कमांड, राव गुरु सेड डिसिसिवली. नाउ राव गुरु इज़ ऑल्सो टेकिंग दिस थिंग वेरी सीरियसली एंड ही सेड दैट ही विल गो टू पुलिस हेडक्वार्टर्स एट ओटा कमांड and he will put this thing, put this case in front of police, कि वो जाएंगे headquarters police के और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएंगे. He said decisively, decisively means confidently.
Mommy stroked my head gently. Brave girl, she said. Mommy patted my head. Mommy ने मेरे सर पे थपथपाया और कहा, brave girl. After a few days, I was called to police headquarters with Rao Guru. बहुत दिनों बाद मुझे पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया गया. देयर आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस टू कन्फर्म दैट वॉट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड राव गुरु. ऑन द वे होम आई आस्क्ड राव गुरु दैट वॉट वुड हैपन टू मुदालियार. नाउ यू कैन सी हेयर दिस गर्ल, लिटिल गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पुलिस एंड ही इज राव गुरु एंड पुलिस मैन इज आस्किंग the questions to Sunanda, the little girl. Now policeman is asking Sunanda that whatever she has seen is true or not, and Sunanda is telling everything to the policeman which was told to Rao Guru also. Now I asked Rao Guru what would happen to Mudaliar. जब हम घर जा रहे थे तो मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुदालियार का क्या होगा. If there is evidence, enough evidence against him, he will be arrested, he said. Rao Guru said, अगर उसके खिलाफ बहुत सारे proof हुए, evidence हुए, सबूत हुए, तो उसे arrest कर लिया जाएगा. A month or so later, one morning, Rao Guru took my hands in his hand and said warmly, एक महीने बाद, सुबह सुबह, Rao Guru held my hands and said warmly, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और कहा, my dear Sunanda, you have been given a reward by the police department for helping them unravel a sandalwood racket. कि Sunanda, तुम्हें एक reward दिया गया है police department से, because you have helped them to catch a sandalwood racket. कि जो sandalwood की चोरी की जा रही थी, उनके पीछे जो भी इंसान थे, उनको पकड़वाने में तुमने पुलिस की हेल्प की है. ओके, आई grabbed both his hands and pressed them to my lips. आई grabbed both his hands. मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और उनको भी अपने lips पर लगा लिया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं खुश थी कि मुझे रिवॉर्ड मिला है और उन्होंने मेरी हेल्प की है. सो आई वॉज़ रिस्पेक्टिंग हिम. मूविंग टू नेक्स्ट पेज, वी हैव कम टू नेक्स्ट पेज. ओ वंडरफुल, क्राइड मामी, आई विल मेक पायसम टुडे एंड ऑफर इट टू लक्ष्मी देवी. नाउ वॉट मामी सेड कि ओ वंडरफुल, शी वॉज ऑल्सो हैप्पी. शी सेड शी विल मेक पायसम. वॉट इज़ पायसम? राइस पुडिंग. हम खीर बनाते हैं घर में, हमारे यहाँ पे खीर बनाते हैं, वैसे ही तमिल में पायसम बनता है. एंड उन्होंने कहा कि आई विल मेक पायसम एंड ऑफर इट टू लक्ष्मी देवी, कि मैं लक्ष्मी देवी को भोग लगाऊंगी. What is more, said Rao Guru, I have decided to admit Sunanda in the National School for the Blind, Sunanda. Now Rao Guru has said that he has decided to admit Sunanda in the National School for the Blind. कि उन्होंने सुनंदा का एडमिशन कराने का सोचा है ब्लाइंड्स के लिए, जो नेशनल स्कूल है जहाँ पर सुनंदा इजीली पढ़ सकती है. देयर यू विल लर्न अ यूजफुल वोकेशन. वहाँ पर सुनंदा को सिखाया जाएगा कि हाउ शी कैन वर्क, हाउ कैन शी वर्क, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, शी वॉज ब्लाइंड. सो दैट वॉज अ स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड्स. वो स्कूल ब्लाइंड्स के लिए था और वहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है. आई विल पुट योर रिवॉर्ड मनी इन द बैंक, कि मैं तुम्हारी जो रिवॉर्ड मनी मिली है जो पुलिस स्टेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, आई विल कीप दैट मनी इन द बैंक, कि मैं उस मनी को बैंक में रिजर्व रखूँगा. इट विल हेल्प यू अ गेट गुड स्टार्ट इन लाइफ, कि इट विल हेल्प यू अहेड इन लाइफ, कि आगे आपको कोई भी काम करना हुआ सुनंदा, तो इट विल हेल्प यू. I wanted to thank Rao Guru, but words failed me. मैं Rao Guru को thank बोलना चाहती थी, उनको शुक्रिया बोलना चाहती थी, but there were no words to express my feelings, because हम हमेशा thank you या sorry कभी भी words में नहीं बोल सकते. I was too overwhelmed. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा happy थी. I was too happy. Okay, so the chapter is ended. You have watched the video, you have learned something from video. Kindly watch this video once or twice so that you'll be able to understand what Sunanda has done, how brave she was. Okay.